नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त, आपकी टीचर, आज से आपको हेल्प करूंगी बायोलॉजी पढ़ने में और इजीली समझने में। अगर आप किसी भी तरह से बायोलॉजी से कनेक्टेड है, 11th 12th या फिर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। तो बिना कुछ देरी करते हुए आइए बढ़ते हैं आज के हमारी लेक्चर की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन्स। आज के इस लेक्चर में हम प्रोटीन को पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे, जितना हमें बोर्ड एग्ज़ाम में और नीट में आ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सो प्रोटीन इज़ अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स, मतलब अमाइनो एसिड का पॉलीमर है प्रोटीन। तो पॉलीमर और मोनोमर्स क्या होते हैं? मान लीजिए एक पॉलीमर है, ये एक मोनोमर है, दिस इज अ मोनोमर, और यहाँ पर पॉलीमर है। तो पॉलीमर क्या होता है? बहुत सारे मोनोमर की चैन, राइट? अगर बहुत सारे मोनोमर आपस में जुड़ जाएंगे लाइक दिस, तो ये पॉलीमर कहलाएंगा। अगर बहुत सारे मोनोमर इस तरह से आपस में जुड़ जाएंगे तो एक चैन बनाएंगे, इस चैन को ही हम पॉलीमर कहते हैं। तो अगर ये मोनोमर अमाइनो एसिड होगा तो हम इस चैन को प्रोटीन कहेंगे। अगर ये मोनोमर अमाइनो एसिड हुआ, अगर ये चैन अमाइनो एसिड की बन रही है, तो हम इसको प्रोटीन कहेंगे। मोनोमर क्या होता है? एक सिंगल यूनिट जो आगे डिवाइड नहीं हो सकता। इन सिंगल यूनिट्स की हम अगर एक चैन बना लेंगे तो हम उसको पॉलीमर कह देंगे। अगर ये चैन अमाइनो एसिड्स की होगी तो हम उसको प्रोटीन कहेंगे। इसमें देखिए, यहाँ पर ये पॉलीमर्स है, ये मोनोमर्स है। मोनोमर्स में अमाइनो एसिड्स आते हैं मोनोसैकेराइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। अगर हमें प्रोटीन बनाना है तो बहुत सारे अमाइनो एसिड्स की मिलाना होगा, अमाइनो एसिड की एक चेन बनानी होगी, तो हम उसे प्रोटीन कहेंगे, जो कि मोनोमर होगा। अगर हमें कार्बोहाइड्रेट बनाना है तो हमें मोनोसैकेराइड्स, बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स को एक साथ लाना होगा, जिसमें ओलिगोसैकेराइड्स भी आते हैं। अगर हमें न्यूक्लिक एसिड बनाना है तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को एक साथ लाना होगा, उनकी चेन बनानी होगी। तो लाइक दिस, ये मोनोमर्स है और ये पॉलीमर्स। इन बहुत सारे मोनोमर्स को मिलाकर पॉलीमर बनते हैं। तो प्रोटीन जैसे अमाइनो एसिड से बना हुआ है। तो आइए देखते हैं अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड इज़ टू सिंपल, बहुत ही ज़्यादा आसान है अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर। आप सब लोगों को मीथेन का स्ट्रक्चर तो पता ही होगा, जानते हैं ना मीथेन कैसे बनता है? CH4, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? क्या करते हैं? CH कितने हैं? 4, तो लगा लेंगे 4H, यहाँ पर एक H आएगा, यहाँ पर एक H आएगा, यहाँ पर एक H आएगा और यहाँ पर एक H। तो ये तो हो गया मीथेन का स्ट्रक्चर। अब हमें अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखना है। सो बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, C आ जाएगा बीच में, बट इस साइड को COOH लगेगा और इस साइड को NH2 लगेगा। ऊपर H ही रखना है, इस साइड को H ही रखना है। तो ये हो गया अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर। दुनिया भर के अमाइनो एसिड जितने भी बनते हैं उनका ये स्ट्रक्चर सेम ही होता है, बस एक ग्रुप यहाँ पे होता है
जो कि डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। समझ गए बच्चों? मतलब यहाँ पे NH2 ही लगेगा, जितने भी अमाइनो एसिड बनते हैं ह्यूमन बॉडी में दुनिया भर में उनका ये स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। इस साइड को NH2 लगेगा अमाइनो ग्रुप, इस साइड को COOH लगेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इस साइड को H ही लगेगा। बस चेंज क्या होगा, दिस ग्रुप, ये हमेशा चेंज होता रहेगा। ठीक है बच्चों, समझ गए? बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है, कुछ नहीं करना है, बीच में एक सी लगा देना है। इस साइड को कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं इसे, और इस साइड को अमाइनो ग्रुप लगाना है NH2, इस साइड को एक H लगाना है, और यहाँ पर आपके अमाइनो एसिड पर डिपेंड रहेगा यहाँ पर क्या लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है प्रोटीन इज अ हेटेरोपॉलीमर। तो ये हेटेरोपॉलीमर क्या होता है जानेंगे। हेटेरोपॉलीमर और होमोपॉलीमर क्या होते हैं डिपेंड करता है आपके मोनोमर पर। मींस अगर मोनोमर इस पॉलीमर में, अगर ये मोनोमर अलग है इससे और ये अलग है इससे, तो ये हेटेरोपॉलीमर कहलाएगा। जैसे कि अगर ये एलानिन है, ये वैलिन है, ये सेरीन है, मतलब ये डिफरेंट अमाइनो एसिड लग रहे हैं इसमें, तो ये हेटेरोपॉलीमर कहलाएगा। अगर एक ही अमाइनो एसिड लग रहा है, मतलब ये सारी चेन ग्लाइसिन से बनी है, ये भी ग्लाइसिन है, ये भी ग्लाइसिन है, और ये भी ग्लाइसिन ही है, मतलब ये होमोपॉलीमर है, सारे एक ही अमाइनो एसिड से बन रहे हैं तो डेफिनेटली होमोपॉलीमर रहेंगे। अगर डिफरेंट अमाइनो एसिड से बन रहे हैं तो हेटेरोपॉलीमर कहलाएंगे। जैसे ये एलानिन है, ये सेरीन है, और ये ग्लाइसिन है, ये सारे अमाइनो एसिड्स के नाम हैं। अगर ये एलानिन है, ये ग्लाइसिन है, और ये सेरीन है, और ये कुछ अलग ही है, और ये कुछ अलग ही है, तो ये सारे तो डिफरेंट अमाइनो एसिड हो गए, तो ये हेटेरोपॉलीमर कहलाएगा। तो समझ गए ना हेटेरोपॉलीमर क्या होता है। तो प्रोटीन हेटेरोपॉलीमर है, वो कभी भी होमोपॉलीमर नहीं होता है। प्रोटीन में डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं, एक टाइप के अमाइनो एसिड से कोई भी प्रोटीन नहीं बनता है। तो ये अमाइनो एसिड्स कितने प्रकार के होते हैं, 20 प्रकार के अमाइनो एसिड्स होते हैं, 20 टाइप्स। जितने भी प्रोटीन्स बनते हैं वो सिर्फ इन 20 अमाइनो एसिड्स से बनते हैं, दुनिया भर के प्रोटीन्स। और भी अमाइनो एसिड्स होते हैं पर वो प्रोटीन बनाने में काम नहीं करते, वो अपना ही कुछ अलग ही काम करते हैं, बट वो प्रोटीन नहीं बनाते, वो इंडिपेंडेंट रहते हैं। और जो ये 20 अमाइनो एसिड्स है वो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। आपके NCERT में और एक टर्म दिया हुआ है, इसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। सो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। इसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो आपके बॉडी में नहीं बनते हैं, आपको आपके डाइट से मिलते हैं, आप जो खाना खाते हैं, आप जो कुछ भी खाते हैं उससे आपको मिलते हैं, उन अमाइनो एसिड्स को हम इसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं। और जो आपके बॉडी में बन जाते हैं, जो आपको बाहर से नहीं लेने पड़ते हैं, उसको हम नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड कहेंगे। कुछ सेमी इसेंशियल अमाइनो भी एसिड्स भी होते हैं, जैसे कि हिस्टिडिन। और तो बात करते हैं फंक्शंस की, प्रोटीन की क्या फंक्शन होता है, प्रोटीन हमारे बॉडी में क्या काम करता है, कि किस प्रकार से काम करता है। तो प्रोटीन हमारे बॉडी में कुछ फाइट करता है अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट्स, कुछ बैक्टीरिया, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी में इंटर करते हैं तो उनको मारने का काम भी प्रोटीन ही करता है, जिसे हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। कुछ ट्रांसपोर्ट का काम करता है, जैसे कि सेल से ब्लड तक शुगर पहुंचाने का काम, कुछ ऐसे भी होते हैं।
कुछ हार्मोन्स का काम करते हैं, हार्मोन्स पता ही होगा आपको, तो कुछ एंजाइम्स का काम करते हैं। तो प्रोटीन्स सिर्फ एक ही फंक्शन नहीं होता है प्रोटीन का, प्रोटीन बहुत सारे फंक्शन निभाता है हमारी बॉडी में। तो प्रोटीन अब कितना इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप जान ही लेंगे। तो इस प्रोटीन का हमारे सेल में कितना परसेंटेज होता है, परसेंटेज, तो हमारे सेल में प्रोटीन का परसेंटेज 10 to 50% होता है, 10 to 15%, जो कि सेकेंड नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर पे वाटर रहता है 17 to 90%, पूरे सेल में 17 to 90% वाटर रहता है, 10 to 15% वाटर रहता है, अदर एलिमेंट्स भी रहते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, आयन, लिपिड्स, उनका भी परसेंटेज है, लेकिन वो प्रोटीन से कम है। वाटर सबसे ज़्यादा, सेकेंड नंबर पर प्रोटीन। आपकी एनसीईआरटी में जो चार्ट दिया हुआ है प्रोटीन का, मतलब जो भी इसका परसेंटेज है, तो उसको आप रट लीजिए। तो आइए बढ़ते हैं फिर से अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर आपने समझ लिया होगा, एक सी लगाना है बीच में, इस साइड को COOH लगाना है, इस साइड को NH2 लगाना है, ऊपर एक H रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, बट यहाँ पर ग्रुप्स चेंज होते रहेंगे। तो आपकी NCERT में जो अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर हैं, हम उनको देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तीन प्रकार के अमाइनो एसिड दिए हुए हैं NCERT में, तो आइए उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है हम देख लेते हैं। तो बना लेते हैं स्ट्रक्चर, जो ग्रुप सेम रहेगा, ये वाला ग्रुप सेम रहेगा, उसको ऐसे ही बनाना है। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे अमाइनो एसिड, सॉरी अमाइनो ग्रुप, यहाँ पे एच, और नीचे क्या आएगा देख लीजिए, सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड दैट इज ग्लाइसिन। इससे सिंपलेस्ट कंपाउंड तो कोई हो ही नहीं सकता, ये तो सबसे सिंपल कंपाउंड है एच वाला, ठीक है। तो यहाँ पे एच आ जाएगा, तो ये है ग्लाइसिन, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। यहाँ पर भी वैसे ही बनाना है COOH, तो बना लेते हैं NH2 COOH, ऊपर एक एच, NH2 और ऊपर एक एच। तो यहाँ पर कौन सा ग्रुप आने वाला है, इससे थोड़ा बड़े वाला ग्रुप CH2, CH2, ये सबसे सिंपल है, और इससे थोड़ा बड़ा ग्रुप CH2 जो कि एलानिन है, एलानिन है। पेपर पर पढ़ा रही हूँ स्टूडेंट, इसका मतलब ये नहीं कि आपको तो समझ में नहीं आएगा, समझ में आ रहा है ना आपको, बस यही बड़ी बात है। मतलब पेपर कुछ कंपैरिजन नहीं करना है, बस जिस पे समझ में आ रहा है बस समझ लेना है, ठीक है ना। तो ये वाला लास्ट ग्रुप है, यहाँ पर इससे थोड़ा हायर वाला कंपाउंड आ जाएगा, जैसे CH2 लगा दिया और यहाँ पर OH2 भी लगाना है, तो ये तो अल्कोहलिक ग्रुप हो गया, मतलब सेरीनिक अल्कोहलिक अमाइनो एसिड है, ये हो गया सेरीन। समझ गए, तीन प्रकार के अमाइनो एसिड्स हैं, ग्लाइसिन, एलानिन एंड सेरीन। तो इस वाले कंपाउंड में क्या है, देखिए एक बात है, यहाँ पर इसके दोनों ग्रुप सेम हैं, बाकी अमाइनो एसिड के दोनों ग्रुप तो सेम नहीं है। यहाँ पर NH2 है, यहाँ पे COOH है, ऊपर H लगा है CH2, यहाँ पर भी डिफरेंट है, यहाँ पर भी सेम नहीं है, यहाँ पे CH2OH लगा हुआ है, यहाँ पे COOH लगा हुआ है, यहाँ पे NH2। तो ये तो चारों ग्रुप इसके अलग अलग हैं, इसके भी अलग अलग हैं,
पर ग्लाइसिन एक लौता कंपाउंड है जिसके दो ग्रुप सेम ही होते हैं, इसके दो ग्रुप सेम होते हैं, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, तो बीच वाला कंपाउंड तो कायरल कार्बन कहलाएगा, ये है कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, कायरल कार्बन क्या होता है, सी डबल ओ एच के बाजू में जो कार्बन होता है हम उसको कायरल कार्बन कहते हैं। तो इसके दोनों ग्रुप सेम है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं है, मतलब ये लाइट को बेंड नहीं कर सकता, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये लाइट को बेंड नहीं कर सकता, एक लौता ऐसा कंपाउंड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, बाकी ये भी एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये लाइट को बेंड कर सकते हैं, एलानिन ऑल्सो सेरीन ऑल्सो, बट ग्लाइसिन एक लौता ऐसा कंपाउंड है पूरे अमाइनो एसिड्स में जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, वो लाइट को बेंड नहीं कर सकता। समझ गए स्टूडेंट्स, इसके नोट्स बना लीजिए, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, क्योंकि समझ में नहीं आता है ये जल्दी से, तो आप नोट्स बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। और एक बात है, सी डबल ओ एच के बाजू में जो कार्बन होता है उसको कायरल कार्बन ही बोलते हैं।